हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल फॉर टुमारो। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं निफ्टी। निफ्टी अगर आप देखें, मैंने आपको लास्ट 3-4 दिन से बोला था कि बेरिश ही व्यू है, शॉर्ट साइड ही ज्यादा ध्यान देना है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर गैप अप होता है तो भी शॉर्ट्स की तरफ ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहां से एक फॉल आया था, अब मार्केट ने वापस रिटेस्ट किया ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, जस्ट एग्जैक्टली टच हुआ है एंड वापस एक फॉल आया। तो अभी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है 18,200 लेवल, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। 8,800-8,750 ये टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में। तो कल के दिन में भी बेरिश ही व्यू रहेगा, शॉर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, और कल हो सकता है एक गैप डाउन ओपनिंग भी हमें देखने को मिले, क्योंकि आज का क्लोजिंग जो काफी नेगेटिव क्लोजिंग है, और इसीलिए मुझे लगता है कल थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो भी शॉर्ट की तरफ ही ज्यादा ध्यान देना है। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखें, मैंने आपको कंटिन्यूअसली बोला है लास्ट 3-4 वीडियो में कि एक डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है, और अब मुझे लगता है कल एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। सो यहाँ तक के टारगेट्स आते हैं अप्रोक्सीमेटली 16,700-16,800 ये टारगेट्स आते हैं। हो सकता है ये चैनल को टच करे 16,800-17,000 के आसपास, एंड वापस फिर एक बाउंस बैक हमें देखने को मिले, क्योंकि ये चैनल में ट्रेड कर रहा है। सो कल के दिन में देखते हैं कैसा मूवमेंट हो सकता है, बट 16,800 ये पॉसिबल टारगेट्स है बैंक निफ्टी के लिए कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक मैंने आपको बताया था लुपिन बाय। अगर आप देखें लुपिन में आज स्टार्टिंग के 15 मिनट में टारगेट आ गया था, 870 का टारगेट था। ये कैंडल में हम ओपन हुए थे एंड आप देख सकते हो 920 को ये बाय ट्रिगर हुआ, 870 का फर्स्ट टारगेट था वो अचीव भी हो गया। तो लुपिन में एक इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा बना। सिप्ला में भी एक काफी अच्छा पैसा बना, सिप्ला में भी 610 का टारगेट था, 609 तक जाके आइए, इसमें भी एक इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा बना। आईसीआईसीआई बैंक में एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। सो 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड में प्रॉफिट आया, 1 ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ। इसके अलावा मैंने कुछ टेलीग्राम चैनल में भी ट्रेड दिए थे लाइव ट्रेड्स, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आप देख सकते हो कौन सा लाइव ट्रेड मैंने दिए थे, उसमें क्या प्रॉफिट आया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से स्टॉक्स में ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा रिलायंस। रिलायंस अगर आप देखें, आज इसमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है, ये डेली चार्ट है, और रिलायंस ने आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है यहाँ पे, और 1400 के नीचे मुझे लगता है एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है रिलायंस में। 1350 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, 50-60 रुपीज का एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो रिलायंस एक काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, बट रिलायंस एक काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट लग रहा है कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। नेक्स्ट स्टॉक होगा हिंडाल्को। हिंडाल्को अगर आप देखें, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, बट ये कंटिन्यूअसली लोअर हाईज बनाते जा रहा है, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, ये कंटिन्यूअसली लोअर हाई बना रहा है, और आज भी अगर आप देखो तो ये ट्रेंड लाइन तक टच हुआ है एंड अगेन फॉल आया। इसमें भी मुझे लगता है यहाँ से 113-110 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो इसमें करीबन 5-6 रुपये का डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो हिंडाल्को भी एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। लास्ट स्टॉक होगा विप्रो। विप्रो में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला है। अगर आप देखें यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये लास्ट टाइम भी यहीं पे सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, लास्ट टाइम भी यहाँ पर एक कंसोलिडेट हुआ था फिर ऊपर गया था, सपोर्ट लिया था, और एग्जैक्टली प्राइसेस ने यहीं पे सपोर्ट लिया है। अब मुझे लगता है यहाँ से 184-185 तक के लेवल्स हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। सो विप्रो भी एक काफी अच्छा बाय ट्रेड रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।